पर ये इतना शैतान है ना, कोको महाराज बहुत शैतान है। हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आप सबको तो मालूम ही है कि मैंने अभी एक नया पपी लिया है। देखो ये भी आपको हाय हेलो बोल रहा है। कोको है ना, बहुत शांत बेटा है ना। हाँ बहुत शांत बेटा है, इसने हमारी रातों की नींद हराम की। इतना शांत बेटा, तो क्या करें क्या नहीं। तो ये शैतान इतना है, मानता नहीं है मेरी बात। क्या कर लिया? तो स्पेज पड़ी थी रहने के, तुम और तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कल, तो इसलिए ब्लॉग भी लेट हो गया। तो क्या करें, आज का ब्लॉग बना रहे हैं आज। अब देखते हैं, एक तो इसका नाम आप बताइए हमें सजेस्ट करके कि क्या नाम रखें। वो तो मैंने पूछा ही था आपसे वीडियो में। अब रख दिया, क्या रखा है, क्या है। हमारे कोको के लिए क्या क्या सामान ला रहे हैं बच्चे, सब कुछ करने के लिए। देखो ये बबल्स लाए। हाँ तो देखते हैं कोको क्या रिएक्ट करेगा, खेलेगा बबल्स से वो कोको। देखते हैं अभी क्या करता है कोको। ये नींद में क्यों बेहोश हो जाता है, गोदी में आते ही, गोदी में आते ही तो गाइस इतनी नींद आती है, और वैसे ही बिल्कुल नहीं सो सकता। देखो कोको क्या करेगा इन दोनों के साथ। बच्चे तो सीख गया। ये देखिए कोको और हिरेन की, मैं क्या कह रही हूँ, कोको और हिरेन अब भी उल्टा हो गया। कोको और हिरेन की दोबारा दोस्ती हो चुकी है। कल ये नाराज था कोको से, मतलब तो ये नाराज था, तो हम भी टेंशन में थे, ये सोच रहे थे कोको को रखें या नहीं रखें। बता रहे यार गाइस, बहुत टेंशन में आ गई थी मैं, क्या करूँ। अगर आप अगर कोई पेट लवर हैं जो मेरे व्यूअर हैं, तो आप मुझे प्लीज़ बताइए इसकी बाइटिंग हैबिट मुझे छुड़ानी है, क्योंकि बाइटिंग हैबिट से बड़ा डर लगता है कि बस घबराहट होती है। और ये जनाब मानने वाले नहीं लगते मुझे। अब तो ये फैमिली मेंबर और बाहर वाले मेंबर्स का फर्क समझ गया है, अब हमें जानने लग गया थोड़ा थोड़ा। तो अभी जैसे कोई बाहर से आ रहा है ना न्यू फैमिली में हमारे मिलने, हमसे मीटअप के लिए, वैसे आते तो कोको से मिलने, लेकिन कोको उन पर इतना बार करता है, इतना बार करता है, वो घबरा जाते हैं। एक तो कह रही तो मैं तेरे लिए हड्डी लेकर आया करूँगा जब भी आऊँगा। तो कोको हो रहा है शैतान, और अब वो बाहर के लिए भोगता है। अगर कोई बाहर का बंदा एंट्री करता है ना, तो वो गार्ड करने की कोशिश करता है हमें, और मेरे पास तो आते ही एकदम निन्नो कर लेता है। अभी मैं खाना बना दूँ, भूख लगी बहुत तेज। हमने खाना पीना गाइस नहाना धोना सब त्याग दिया कोको के पीछे। नहीं बाल भी नहीं होता, मेकअप नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कर पाती मैं। कोको ही कोको है, जब से बाहर भी नहीं गई मैं। अरे नहीं छोड़, वो घबरा रहे हैं, देखो वो घबरा रहे हैं, क्या हाल मचा रहे हैं बच्चे। बच्चे सार्थक ने कोको के लिए एक पूरा एक आलू का पराठा खा गया है। हाँ इस शर्त में आया यहाँ पे अपने, क्या मतलब। अरे वाह, कोको के लिए शर्त रखी जा रही है कि आलू का पराठा खाएगा तो कोको से मिलेगा। अरे वाह भाई वाह वाह लड़के वाह, कोको के लिए पराठा नहीं लाया, अपने आप खा के आया। और है भाई कोको के लिए तो कहाँ छिप रहे हो, आ जाओ आ जाओ, नहीं दिखा रही, नहीं दिखा रही, आ जाओ आ जाओ, शर्मा रहा है वो लड़का। देखो बच्चों से कैसे कैसे काम निकाले जा रहे हैं कि कोको को जब भी देखने जाओगे अगर आप आलू का पराठा खाओगे। और मैं कह रही हूँ अगर कोको से मिलने आए हो तो आलू का पराठा लाना चाहिए ना कोको के लिए, हम कोको को खाना सिखाएंगे आलू का पराठा भी। अच्छा कल लाओगे? कम कोको कोको पियानो बजा रहा है। देखो कोको प्लेइंग पियानो, कोको बोलो कोको गुड बॉय, कोको गुड बॉय, गुड बॉय। मेरा फ्रेंड बन गया इधर सार्थक पियानो बजा रहे सार्थक। तो हम कर रहे हैं लंच, और लंच में हमारा बचा कुचा ही खा पा रहे हैं, हम बना नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे अभी तो। कोको ने थोड़ा बिजी किया हुआ है ना,
लंच कर रहे हैं, हमारी दाल है और मटर की सब्जी है, हमारी मटर पनीर रखी थी थोड़ी सी तो उसी से भी खा रहे हैं। धूप बढ़िया हो रही है पर कोको को नहीं ला रहे हम, हवा की वजह से उसे हवा लग जाती है वरना ठंडी हो। अभी तो वो सोया हुआ है, सो के उठेगा तो उसे खाना देंगे, उसे भी वो भी लंच करेगा फिर। सेकेंड डे आज ट्रेनिंग का कोको की। कोको क्या क्या सीखा बता मुझे। कोको की वजह से गाइज हम वीडियो भी नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि हम थक जाते हैं, नाइट में कम सो पा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भोंकता रहता है ना रात में, इसे भी अटेंशन चाहिए होती है तो हमें जागना पड़ता, तो इसलिए हमारी वीडियो को भी आज लेट हो गया। देखो गेट खोल के चला जाता है, चला जाता है, स्वेटर अड़ जाता बस इसका, गर्दन से खोल लेता है, गर्दन से खोलो 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 लगे रहो खोल दिया चला गया और फिर अंदर आएगा। अब देखो आलिया अंदर आलिया आलिया कोको कम आलिया कम। अरे मैं बाबू तो चीख गया भाई, डोर ओपन करना सीख गया कोको कैमरे पे आना सीख गया, कोको तो हीरो बन गया। हाँ, कोको तो यूट्यूबर बन गया भाई, ब्लॉगर बन गया कोको तो। हाँ सबसे पहला डॉगी ब्लॉगर है हमारा कोको, अपने डे की फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करता है आपके साथ। देखो कि वो क्या क्या ट्रेनिंग ले रहा है, क्या क्या कर रहा है, अभी देखो क्या एक्सप्रेशन दे रहा है, आप बताना क्या एक्सप्रेशन दे रहा है हमारा कोकी शर्मा आ गया। लाइफ कितनी बदल गई है जब से कोको है, आराम आराम से बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि कोको सोया हुआ है, इसीलिए आराम से बोल रही हूँ। बोलो कैमरे पे झपट्टा मारा यहीं बैठ के खाता है पैरों में हड्डी भी, यूँ नहीं एक तरफ चूस ले। जब से हमने कोको लिया हम इतने जिम्मेदारी आ गई हम पे बहुत ही ज़्यादा, इतने आँखों में थकावट नींद भरी रहती है, नींद कभी पूरी नहीं होती है मेरी, क्या करूँ मैं। आप भी कुछ टिप्स दीजिए अगर पेट लवर जो भी अगर कोई वीडियो देखते हैं तो मेरे को बताइए कुछ टिप्स कि कैसे हम इजीली हैंडल करते हैं न्यू पप्पी को, क्योंकि अभी तो हम तो बहुत ज़्यादा टायर्ड रहते हैं और आउटिंग तो बिल्कुल कर ही नहीं पा रहे, बिल्कुल बाहर जा ही नहीं पा रहे कहीं भी। और देखो कपड़े हमारे घर में कैसे फैले पड़े हैं, तय भी नहीं बना पाई इन कपड़ों की, सारा घर बस अस्त व्यस्त है, मैं खुद ही अस्त व्यस्त हूँ, कुछ कर नहीं पा रही, बस मुँह ही धुलता है मेरा, सोने का भी टाइम नहीं, बस जागते हैं रात भर। तो क्या करना चाहिए कुछ आप बताइए, सजेशन दीजिए कैसे एक इजीली हैंडल किया जाता है और बाइटिंग को कैसे हैंडल कर सकते हैं हम इजीली डॉग की, क्योंकि पपी है, पपी तो ज़्यादा बाइटिंग करते हैं तो उससे तो मुझे बड़ा डर लगता है, बाइटिंग से तो कैसे हैंडल करूँ मैं इजीली, से कैसे चीज़ें सिखाऊँ, कैसे हम पपी को इजीली हैंडल कर सकते हैं अगर हमें कहीं बाहर जाना हो तो, ये सब चीज़ें कुछ बताइए थोड़ा आप गाइड कीजिए, जो व्यूअर्स हैं जिनके पास पपी हैं पेट्स लवर्स हैं तो वो मुझे थोड़ा गाइड कीजिए इस बारे में, कॉमेंट करके बताइए चीज़ें। अब देखो मेरी चप्पल पे आके खा रहा है चीज़ें अपनी बोन, इसे पैरों में ही जगह मिलती है, बस पैरों में ही बैठता है जब देखो ये, मुझे लगता है यार मेरी अपनी लाइफ तो ख़त्म ही हो गई, सारा कुछ इसका ही है बस कोको का, चप्पल ना काट दे मेरी, बैठा पैरों ऐसा बीच में बैठेगा बस ये चाहिए, हाँ ये चाहिए ऐसे, ये कारस्तानी है, अब बैठ जाएंगे तो तभी चिल्लाएगा, अब बैठ जाएंगे तभी चिल्लाएगा पैर चुड़ा लिए तो उधर बैठ गया। देखो बंदर सा, बिल्कुल ही बंदर का बच्चा लगता है, रुक नहीं पाएगा। कोको कैसे रुकेगी, कोको की प्रॉब्लम, कोको का क्या करें, क्योंकि बहुत ज्यादा शरीर में इतनी थकावट सी हो रही है ना, मेरे को ऐसा मन कर रहा है किसी हॉलीडे पे चली जाऊं निकल के। कोको क्या करोगी कोके नहीं, हॉलीडे पे भी नहीं जा सकती, आलिया राक्षस राक्षस मेरा प्यार से बोलती है, रेनू को नहीं बोलती राक्षस, बोलो बस तुम्हें नहीं बोलती हूँ, हाँ वो बात अलग है तुम बचे हुए पकड़ी गए यहाँ आ जाओ तो मेरी जगह मम्मा आ रही, मुझे उस जगह सुनो, वाह भाई वाह कुदरत का खेल, देखो जो जगह पहले मुझे मिलती नहीं थी फर्क करी जा रही, कोको गाने से वक्त बदल गया, हालात बदल गए, कायनात ओ भाई मार कायनात बदल गई। देखो गाइस कोको गाने से क्या हुआ, कभी वो जगह मेरी हुआ करती थी और मैं किसी को नहीं देती थी उस जगह को, वो मेरी जगह होती, इस जगह पे मैं कितना तरसता था बैठने के लिए, लेकिन अब ये जगह ही नहीं दी जाती क्योंकि रात में कोको इनसे फिर डिमांड करता है ना। तो गाइस आज की इसी मस्ती मजाक के साथ, कोको की प्यारी सी बातों के साथ आज के ब्लॉग का कर रही हूँ मैं एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पर, भाई से बंद कर दो मिनट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पर,
और अगर आपको हमारा ब्लॉग और कोको पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पर, जो कि अभी हम करते हैं एडिटिंग। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।